सागर जी का बहुत बहुत साधुवाद। जितने भाई हमारे इधर पर थोड़े थोड़े से आगे आ जाओ। बनते डॉक्टर पीएचडी है और आप लोगों को ज्ञान देना है। और वहाँ पीएचडी पूछो किस रहे हो। ये जितने साथी खड़े हैं सब लोग आगे आ जाओ थोड़े थोड़े। ऐसा है ये इनकी गलती, ये हमारे संस्कार है, हमारे तो इनको कभी ठीक ऐसे करते। ज्ञान तो हमसे कई सौ किलोमीटर दूर गए तो जबरदस्ती आगे ले गए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में पैदा ना होते तो ज्ञान तो तुमसे कई हजार किलोमीटर दूर, इंडिया में एंट्री ना होती। अभी भाई साहब ने एक बात कही थी कि पेट की भूख, कबीर दास जी ने कहा कि पेट की भूख सबको सताती है, जीव जंतु पशु पक्षी गधे घोड़े कुत्ते को, लेकिन इंसान को और इंसान के लिए केवल ज्ञान की भूख सताती है। जिस व्यक्ति को संसार के अंदर सिंपल ऑफ नॉलेज कहा जाता हो, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका कोलंबिया वहां अपना स्टैचू लगा रही है सिंपल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसकी जनरेशन जन्म तिथि नहीं जानती है। उससे बड़ा दुर्भाग्य होगा। रविदास जी ने क्या कहा, भगवान बुद्ध तो इंटरनेशनल है, मैं सागर साहब का समर्थन करता हूं, लेकिन वो इतनी जल्दी आम आदमी की समझ में नहीं आता। उसके बाद में बहुत सारे आगे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, इस देश में हमारे देश को कौन से डेट को बुला, हमारे लिए इस भारत में पहला स्कूल कौन सी तारीख में खोला गया, किसने खोला, गिफ्ट गिफ्ट फ्री है, सवाल का जवाब दो गिफ्ट फ्री है। इस देश की पहली शिक्षिका कौन है, ये हमारे मास्टर डिग्री पुरानी मान में दोस्त, ये बंजर जमीन है, इसमें कांडे तो खड़े हैं पर रस नहीं है, मुझे पता है कांडे तो खड़े हैं पर रस नहीं, रस तो तुम्हारे सबके पीने है क्योंकि बुद्धि का विकास ही ना हो। हमें एक बात पता, डल्लू आएगा कल्लू आएगा कह देगा यू हो रहा है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर। गुलामों को भी गुलामी का एहसास कराने वाले, एक तो होता देश का गुलाम, एक होता इंसानों का भी गुलाम, हम वो गुलाम बैठे हैं। गुलामों को भी गुलामी का एहसास करा के एक इंसान बनाने वाला संसार में एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसकी बदौलत आप मास्टर डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट देश का पिता देश आज भी और हमारे बाद भी। इसलिए जो महापुरुष कह रहे हैं उनकी बात को धारण करें। एक मैं दो मिनट की बनते जी क्षमा जाऊ, एक कहानी मैं आपको बता दू, मेरे पीछे भी याद आ जाती है। एक बुजुर्ग और माता जी, थोड़े आंखों से कम दिखता था उनको, बच्चा लेट हुआ है, तो जब माता जी खाना बनाती थी तो वो बुजुर्ग जो पिताजी थे उन पर रोटी नहीं पहुंच पाती थी, तो वहां क्या था कि चतुर चाला कुत्ता लगता था, वो माता जी रोटी बनाती कुत्ता खींच कर जाता, शाम को रोज लड़ाई होगा, माता जी कहा कितनी रोटी खाएगा, बुड्ढा कहेगा मेरा भुक्का की मार दिया, मेरा पेट कह रही तेरा पेट कितना बड़ा, रोज की लड़ाई होगी। शाम को हमारे रमेश जी जैसे सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने छत पर चढ़ के देखा इनकी लड़ाई क्यों हो रही है, पटका कुछ रहा नहीं, तो जब खाना बना दिए वो ये लड़ाई, ये कुत्ता सारा रोज रोटी खा रहा है, यू भी रोटी पूरी बना रही है लेकिन इस पर रोटी पूरी नहीं। उन्होंने कहा बाबा ये लठे नहीं दो डंडा था, कहा कुछ नहीं, और जब माता जी खाना बनावा तो मुझे ठुक ठुक करते रहे, ठोकते रहे, उससे कुत्ता भी नहीं चला जाएगा बाहर। तो माता जी ने खाना बनाया, पिताजी का पेट भर गया। कुछ दिन बाद और बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी, तो उसके एक बड़ी बड़ी सुंदर सी इंटेलिजेंट बहू आई, तो वो व्यक्ति भी जो था जो देख रहा था बचपन से मेरा बाप ठुक ठुक करता जब माता जी खाना बनाती, तो जब खाना बनाने लगी उसने जो ये शुरू कर दी, एक दिन होगा दो दिन होगा तीन दिन होगा, पढ़ी लिखी औरत थी वो, उसने कहा ऐसा है मिस्टर पहले हमें ये बताइए कि जब हम खाना बनाते हैं ये ठुक ठुक क्या है, कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता, मेरी माँ जब खाना बनाती थी मेरा बाप अंदर का बैठा ठुक 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 उनने की उल्लू के पट्टे, उनको तो कम दिखता था इसलिए उन्होंने कुत्ते बिल्ली भगाने को ये डंडा रखा, तो उन्हें परंपरा ही डाल दी,
तो एक तो हम खुद जानते थे और दूसरा हम किसी के मानते थे। तो बंते जी को एक बार जोरदार बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मैं सिखा रहा हूँ बंते जी को कैसे करा जाता है क्योंकि हम रोटियों में हैं। बंते जी का बंदा भी और बंते जी आए अपने प्रवचन थोड़ा सा खड़ा कर देते थे, वीडियो का भी हो जाएगा इसे। हाँ वीडियो का भी भाई भाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय सागर जी, देवेंद्र जी, नरेंद्र जी और सभी ग्रामवासियों ने अपने बच्चों आपके लिए बड़ा एक अच्छा अवसर है कि अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग नेता के रूप में बात बताने के लिए आते हैं और उनकी एक अपेक्षा होती है कि हमें वोट देंगे और हम चुनाव जीत कर जाएंगे। लेकिन आप लोगों को हम लोग कुछ खास बात बताने के लिए आए कि आपको जो बात बताई जाए और आपने उसका अमल किया, उसको अपने जीवन में उतारा, तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने काल में जो बात बताई थी और उस काल में जिन जिन लोगों ने उनकी बातों को माना, तो आज आपने देखा होगा उनका स्तर काफ़ी ऊंचा हुआ है। सामाजिक कुछ खास परिवर्तन आए, आर्थिक प्रगति भी हुई, शैक्षणिक प्रगति भी हुई, धार्मिक प्रगति भी हुई है। चूँकि देश में धार्मिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, शैक्षणिक असमानता है, आर्थिक असमानता भी है, अन्य सभी अधिकारों से हमें वंचित किया गया था। लेकिन ये सभी अधिकार हम लोगों को मिलने के बाद में हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन आपने आज भी देखा होगा कि हमारे देश के अंदर में तो शहर है, दूसरे गांव है, तो गांव में अभी भी काफ़ी जो परिवर्तन है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि शिक्षा उतनी मिल नहीं रही और मिल भी रही तो उतनी सुदृढ़ शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम शहर के बच्चों के साथ में अपना कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना अच्छा एजुकेशन नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को अभी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अपना उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं, कोई हमारा उद्धार करके देने वाला नहीं है। हजारों सालों से इसरो में एक मान्यता आ रही है कि हमारा कोई कर्ता धरता होगा, हमारा कोई ना कोई कल्याण करेगा, हमारे जीवन में कोई ना कोई बदलाव और सुधार लाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो रात दिन पूजते रहते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन क्या घर भी उनका कोई भगवान बनाकर देता है? आप बताइए, आपने कभी देखा कि आपका घर झोपड़ी होगा तो वो महल में तब्दील हो जाए? कभी देखा आपने किसी का भी ऐसा परिवर्तन होते हुए दिखा? जब तक आप अपने पैसे से घर नहीं बनाते, सामग्री इकट्ठा नहीं करते, तब तक वो बनने वाला नहीं है। कोई आज तक आपने नहीं देखा होगा कि जहां झुग्गी झोपड़िया या छोटे घर है वहां महल बन गया होगा ऑटोमेटिकली, किसी ने ऐसा चमत्कार कर दिया होगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। और यही बातें तथागत गौतम बुद्ध को उनके कान में समझ में आई और उन्होंने जाना कि मनुष्य दुखी होता है अपने कुछ कारणों के कारण, और उस कारण को यदि दूर कर लिया जाए तो मनुष्य सुखी भी बन सकता है इसी जीवन में। और यही आज वर्तमान में हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत करके कष्ट झेल कर ये उपाय खोज कर निकाला और खोजने के बाद में सब जनता को बताना शुरू किया, और उस काल में जो जो लोगों ने उनकी बातों को माना आज उनके जीवन में बदलाव सुधार है। लेकिन जो आदमी समझता ही नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है उनकी बातों को, तो उनका जीवन स्तर भी आज वैसा का वैसा है। ईश्वर में आज तेजी से परिवर्तन आ रहा है, ईश्वर के लोग बदल रहे हैं, भारत में भी कहीं कहीं आपने देखा होगा लोग बदल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं समाज में, ऐसा आज भी देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे लोगों में परिवर्तन बाकी है। तो क्या अब हम ये चाहते कि हम जैसे हैं वैसे हमारे बच्चे भी हो? चाहते कि हम, यदि यही चीज बाबा साहब अम्बेडकर को गलेगी होती कि नहीं मेरा समाज जैसा है वैसा रहने दो, मैं तो अमेरिका से पढ़कर आया हूँ, मैं तो इंग्लैंड से पढ़कर आया, मैं तो जर्मनी से पढ़कर आया, मुझे नहीं इनकी चिंता करनी है, तो क्या आज हमारे जीवन में अधिकार मिलते?
यदि वो लोग भी सोच लेते हैं कि नहीं मैं तो पढ़कर लिया, वो भी कहां से पढ़कर आया, अमेरिका से, उस काल में पढ़कर आया, उस काल में इतनी पढ़ाई करना ये कोई साधारण काम नहीं था। आज तो आप लोगों के पास भारतीय संविधान है और भारतीय संविधानों का अधिकार हमारे साथ में है, उस अधिकारों के तहत हम अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जागरूक बनने की जरूरत है, लेकिन हम जागरूक बनना नहीं चाहते। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक बार जो है भारत में वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, वहां पर एक बार जापान के प्रधानमंत्री आए और अमेरिका के राष्ट्रपति आए। अब ये राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने 3 घंटा पूजा में बिठा के रखा, और जब 3 घंटा पूजा में बैठ गए तो बैठने के बाद में वो उन्होंने कहा कि आपको हम जो है बुलेट ट्रेन नहीं देंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने बोला, तो बोले कि क्यों नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा आप लोगों के पास में टाइम है और हमारी जो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन है, यानी कम समय में ज्यादा दूरी तय करती है, और आप लोग तो 3 घंटे यहाँ पर पूजा पाठ में बैठ गए, तो आपके पास तो टाइम है, तो आपको फास्ट ट्रेन की जरूरत नहीं है। हम देशवासी लोग जो है कम समय में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं, और इसलिए हमने क्या किया, बुलेट ट्रेन को निकाली ताकि वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सके, लेकिन आपके पास तो टाइम है 3 घंटे आपने यहाँ बिठा के रखा हमको, जिसका कोई लाभ नहीं मिला, और यदि मिल भी गया तो बताओ क्या लाभ मिला, 3 घंटा पूजा पाठ में लगा दिया आपने और कुछ लाभ नहीं मिला, तो आपको हम ब्लड रन देने वाले अब नहीं है। तो बताने का मेरा मतलब ये है कि हम भारतीय लोग जिस काम को करना चाहिए वो नहीं करते, और जिस काम को करना चाहिए वो नहीं करते, और जो काम करना चाहिए उसको बिल्कुल भी नहीं करते। समस्या हमारी यहाँ फंसी हुई है, और इसलिए आज हमें बदलने की जरूरत है तो हम इंसान ही, और इंसान होने के नाते यदि हम बदलना चाहते हैं तो कुछ बातें तो अपने जीवन काल से हमें समाप्त कर देनी पड़ेगी। जैसे आज भी हम रूढ़ी परंपराओं को मानते नहीं, आज भी कर्मकांड को मानते हैं, आज भी हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, आज भी हम अपने घर में दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, अफीम है, गांजा है, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अब वही चीजें यदि हमारे छोटा बच्चा सीख जाएगा तो ये सीखने के बाद आपके जैसे बनेगा कि दूसरा बनेगा, लेकिन इसने यदि पढ़ाई की, इसको हमने नॉलेज दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, तो हमसे अच्छा बनेगा कि बेकार बनेगा, अच्छा बनेगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, यदि हमारे देश के सबसे रईस आदमी के बच्चे को हमारे गरीब घर के घर में लाकर दो और गरीब का बच्चा एक अमीर घर के में लाकर दो, क्या परिवर्तन होगा? आप उदाहरण के लिए एक हम नमूना लेते हैं कि अनिल अंबानी अडानी का बच्चा किसी ये मुजफ्फरनगर के किसी गांव में लाके रख दो, किसी बहुत ही गरीब आदमी के घर में, और एक गरीब का बच्चा लाकर रख दो उस अमीर के घर में, तो क्या फर्क महसूस होगा? फर्क महसूस होगा, वो ज्यादा पढ़ लिख जाएगा।